वेलकम टू एग्जाम तक करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज वीडियो में आप सभी का स्वागत है दिसंबर महीने के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये 2022 के हैं जहां पर हम लोग जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन देखने वाले यूनेस्को के दो नए अस्थाई जो हैं जगह शामिल हुई हैं भारत का पहला ग्रीन स्टील प्लांट और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है फॉर द एस एस सी अपकमिंग एग्जाम सी जी एल सी एच एस एल एम टी एस के लिए साथ में बैंकिंग रेलवे एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी पी डी एफ़ आपको अवेलेबल हो जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पर आपको हर मंथ की करंट अफेयर्स की पी डी एफ़ मिलेगी तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं यह है एग्जाम तक की मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ का दिसंबर 2022 का लेटेस्ट वर्जन जहां पर आपको टॉपिक वाइज कैटेगरी वाइज जो है पीडीएफ अवेलेबल की गई है इस तरह से आप लोग देख पाएंगे नेशनल इंटरनेशनल हमने जो है इंपॉर्टेंट डे वाले पर जो है ये आठवां टॉपिक जो है ना इस पर अलग से वीडियो बना रखा है आप लोग देख लेना आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो देखने वाले हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सबसे पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन की ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये है कि भारत जो है जी ट्वेंटी का अध्यक्ष बन चुका है एक्चुअल में आप सभी को पता होगा 2023 में जी ट्वेंटी का शिखर सम्मेलन जो है ये इंडिया होस्ट करने वाला है अगले साल सितंबर 2023 में होस्ट होगा न्यू दिल्ली में ये होने वाला है तो जो भी जी ट्वेंटी की अध्यक्षता करता है उसके एक साल तक वही उस देश मतलब जो है जी ट्वेंटी का अध्यक्ष रहता है तो अभी जो है फर्स्ट ऑफ डिसम्बर से भारत अध्यक्ष बन चुका है और इस साल तीस नवंबर तक रहेगा अध्यक्ष ठीक है तो एक साल तक पूरा भारत अध्यक्ष रहने वाला है आपको याद रखना है जो भारत में जी ट्वेंटी होगा ना वो अट्ठारहवा जी ट्वेंटी सम्मेलन होगा ये याद रखना और अभी रिसेंट में सत्रहवा जी ट्वेंटी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है ये हुआ है बाली इंडोनेशिया में ये भी आपको याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उससे पहले इटली में हुआ था दो में भारत की जो जी ट्वेंटी की अध्यक्षता है इसका थीम क्या है तो ये वसुधैव कुटुंबकम ये आपको याद रखना जी ट्वेंटी की बात की जाए तो इसमें उन्नीस देश प्लस यूरोपियन यूनियन है अब इसमें जी सेवन के सारे कंट्रीज़ के अलावा इंडिया साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया सऊदी अरेबिया रशिया चाइना ये सारे के सारे देश हैं साथ में जी सेवन के भी देश हैं ठीक है ठीके? और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है एज अ ग्रुप इसकी स्थापना होती है 1999 में ठीक है हेडक्वाटर जी ट्वेंटी का कहीं पे भी नहीं है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन थर्ड वाला क्वेश्चन कौन सा है दिसंबर दो के लिए भारत बनाए यू का अध्यक्ष ये सेकेंड क्वेश्चन ये तो यू क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ठीक है इसमें पांच परमानेंट मेंबर होते हैं और दस होते हैं अन परमानेंट मेंबर पांच परमानेंट मेंबर जिनको वीटो है वो कौन से हैं आप लोग देख लीजिए मैं आपको एक सेकंड आपको बता दूँ कि वो पांच परमानेंट मेंबर कौन से हैं ठीक है पाँच परमानेंट मेम्बर में सबसे पहले हैं यू एस ए सेकेंड नंबर पर मिलेगा आपको रशिया थर्ड नंबर पे मिलेगा आपको चाइना ठीक है फोर्थ पे मिलेगा आपको यूके और फिफ्थ पे मिलेगा आपको फ्रांस ठीक है ये पांच देश हैं जिनके पास में वीटो पावर हैं और यही पांचों देश जो हैं यू के परमानेंट मेंबर इनके अलावा दस अन परमानेंट मेंबर हैं जिनमें भारत भी सदस्य है ठीक है तो ये आपको याद रखना है इसमें दस परमानेंट अन परमानेंट मेंबर का कार्यकाल आपको याद रखना दो वर्ष का होता है ठीक है दो वर्ष का होता है और जो पंद्रह सदस्य होते हैं टोटल वो हर महीने अध्यक्ष चेंज होते रहते हैं तो भारत अगस्त 2021 में बना था और उसके अलावा अभी पंद्रह महीने बाद यानी कि दिसंबर 2022 के लिए फिर से बनाए तो इस कार्यकाल में भारत दो बार अध्यक्ष बनाए अगस्त 21 के लिए और दिसंबर 2022 के लिए ये दोनों पॉइंट आपको वेरी वेरी तरीके से इम्पोर्टेंट याद रखना है हेड क्वार्टर्स मिलेगा आपको न्यूयॉर्क सिटी में ये भी इम्पोर्टेंट है ठीक है ये आप लोग देख पाएंगे जी ये हो गया यू का ठीक है यू का भारत आठ बार जो है अन परमानेंट मेंबर रह चुका है नेक्स्ट सिंधिया ने लॉन्च किया दिल्ली से डीजी यात्रा डीजी यात्रा जो है दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लॉन्च की है ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है ये हैं हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री सभी कैबिनेट मंत्री अलग से ट्रिक का वाला वीडियो बना दिया है आप लोग जाकर एग्जाम तक 2.0 चैनल पर देख लेना तो एक दो दिन में वीडियो अवेलेबल हो जाएगा आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए जहां पर आपको प्रीवियस ईयर की क्विज डेली मिलती है ठीक है तो ये एक दिसंबर को लॉन्च किया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये दे दो तक जो है सात एयरपोर्ट तक होगा एंड उसके बाद ये लगभग सभी एयरपोर्ट पर कर दिया जाएगा इसका मेन उद्देश्य क्या है डी यात्रा का उद्देश्य हैसल फ्री ट्रैवलिंग करना यानी ये जो बोर्डिंग वगैरह होती है ना ये सब पेपरलेस हो जाएगी है ना तो इस तरीके से है नेक्स्ट फसाई ने हिमालय हिमालयी को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है तो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई जो है इसने रिसेंट में हिमालय हिमालयी को फूड एनिमल के रूप में जो है मंजूरी दी है इसका मेन उद्देश्य है इसकी जो गिरती हुई संख्या है इस पर रोक लगाना फसाई के बारे में थोड़ी सी अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं तो पॉइंट क्या है एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग पॉइंट ये है फसई के बारे में कि इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखने ठीक है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये इसकी फुल फॉर्म है 2006 में इसकी स्थापना होती है हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यू दिल्ली में और अभी रिसेंट में इसके सीईओ कौन बने गंजी कामत तो गंजी कामत का नाम याद रखना है ये इनके रिसेंट में नए सीईओ बने फसाई के ये आपको याद रखने हैं ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है अब ये है अब एक स्टार्टअप जिसका नाम है इसने में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड लॉन्च पैड क्या होता है जहां से रॉकेट वगैरह को लॉन्च किया जाता है तो यह लॉन्च पैड कहां पर स्थापित किया है यह क्या है आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा जहां पर इसरो का सेंटर है सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर ठीक है यहां पर इसरो के सेंटर पर ये जो है स्थापित किया है किसने स्थापित किया है अग्निकुल कोस्मॉस ने भारत का ये पहला होगा लॉन्च पैड जो कि इसरो के श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया है ये आपको इतनी बात ध्यान रखनी है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ और आप सभी से क्वेश्चन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपको अगर बात की जाए ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा ना तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जरूर देना इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इसरो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसरो की स्थापना हुई थी पंद्रह अगस्त नाइनटीन सिक्सटी नाइन को ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रविश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया है आपको पता होगा एनडीटीवी में अडानी ने अपने शेयर खरीद लिए हैं और अडानी की अभी शेयर परसेंट फिफ्टी सिक्स परसेंट के आसपास में हो चुकी है तो काफ़ी बड़ा शेयर हो चुका है ऑब्वियसली एंड अब ये क्या रीजन है वगैरह ये सब नहीं पूछेंगे रविश कुमार संबंधित ये क्वेश्चन भले ही ना पूछे कुछ और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे 2019 में उनको रेमन मैग्नेस से पुरस्कार मिला था वेरी इंपॉर्टेंट है रेमन मैगनेस से अवार्ड जो है ये फिलीपींस की सरकार देती है ठीक है तो आपको याद रखना है कौन से देश की सरकार देती है रेमन मैग्नेस अवार्ड फिलीपींस की सरकार और नाइनटीन से ही देती है हर साल और इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है तो कितने क्वेश्चन तैयार हो गए आपको फिलीपींस सरकार देती है 1958 में एशिया का नोबेल पुरस्कार और पहले भारतीय जिनको रेमन मैग्नेस से मुला ये थे विनोबा भावे ठीक है तो याद रखना है विनोबा भावे को सबसे पहले रेमन मैगने अवार्ड मिला था इनको रविश कुमार जी को 2019 में मिला और साथ में दो बार रामनाथ गोयन का अवार्ड भी इनको मिल चुका है काफ़ी सारे और भी अवार्ड्स मिल चुके हैं 1996 से ये एनडी टी से जुड़े हुए थे अभी अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाई देंगे ठीक है तो ये आपको देख सकते हैं नेक्स्ट है आर के सिंह आर के सिंह कौन है सेंट्रल रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर सभी कैबिनेट मंत्री देख लेना अलग से वीडियो बना रहा हूँ मैं तो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर जो हैं इन्होंने बिहार के भोजपुर जिले से दस हेल्थ क्लिनिक वाहन का उद्घाटन किया है जो गरीब वर्गों को मुफ्त में इलाज उपलब्ध करवाएगा तो ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स है बाकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दो तक बीस नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे ये कहा है जितेंद्र सिंह जी ने लोकसभा में वेरी इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एग्जाम तक हिंदी डॉट कॉम ये है बेस्ट जीके की वेबसाइट जब भी जी का कोई टॉपिक फाइंड करना हो आपको गूगल पे एग्ज़ाम तक लिख देना है ये वेबसाइट मिल जाएगी या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा ठीक है तो वहाँ पर जाने के बाद आपको जो है वहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा या फिर वहाँ पर कैटेगरी है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी करंट अफेयर्स आप अलग अलग कैटेगरी वाइज जाकर देख पाएंगे एंड पढ़ पाएंगे डिटेल में नेक्स्ट ये आप लोग देख पाएंगे तो जितेंद्र सिंह जी ने लोकसभा में क्या कहा है कि दो तक सॉरी बीस नए परमाणु ऊर्जा सेंटर आरंभ किए जाएंगे जिनमें करीब पंद्रह हजार मेगावाट की एडिशनल एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाएगा ये आपको याद रखना नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इकहत्तरवीं जयंती सॉरी पुण्यतिथि है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती कब होती है इकतीस अक्टूबर को ठीक है उस दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस लेकिन पुण्यतिथि है पंद्रह दिसंबर 1950 को इनकी डेथ गई थी तो ये भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इनको जो है सैकड़ों रियासतें एक करने का श्रेय इन्हीं को जाता है इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है आयरन लेडी किसको कहा जाता है इंदिरा गांधी को आयरन मैन कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये आपको याद रखना है इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है साथ में स्टैचू ऑफ़ यूनिटी तो आपको पता ही होगा वन एटी टू मीटर हाइट है गुजरात में स्थित है नर्मदा रिवर के किनारे केवड़िया में स्थित है साधु बेट आइलैंड पर स्थित है बाकी सब आपको पता ही होगा अब सबसे इम्पोर्टेंट कई बार क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी तो ये बारडोली की महिलाओं ने दी अब बारडोली सत्याग्रह हुआ था कब हुआ था 1928 में उस सत्याग्रह को सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के लिए इनको सरदार की उपाधि मिली थी ये बात आपको याद रखनी है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लोंगे वाला युद्ध में भारत की जीत के इक्यावन वर्षगांठ इक्यावनवीं वर्षगांठ अभी रिसेंट में सेलिब्रेट की गई है एक्चुअल में 1971 का जो इंडो पॉक वार हुआ था वहाँ से संबंधित है लोंगे वाला जब 120 भारतीय सैनिकों ने दो, दो तीन हज़ार पाकिस्तानी सैनिकों को हराया था टैंकों को हराया था तो इसीलिए ये लोंगेवाला अगर पूछ ले कभी इस तरह से एग्जाम है तो उन्नीस युद्ध से संबंधित है कहाँ पर है राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और पाँच दिसंबर को इसकी इक्यावनवीं वर्षगांठ मनाई गई है इसी कारण यहाँ पर पराक्रम दिवस मनाया गया वैसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ ले कि पराक्रम दिवस कब मनाते हैं तो ये तेईस जनवरी को मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर सुभाष चंद्र जी बोस ने कौन से संगठन की स्थापना करी थी चलो अभी वीडियो को पॉज करो कमेंट करो मैं आपको चार ऑप्शन भी दे देता हूँ अगर बात की जाए गदर पार्टी ठीक है या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक या फिर आ, चलो इन्हीं दो में से कर लो एंड जो भी है उनकी अगर आपको ईयर वगैरह भी याद है तो आप लोग जल्दी से लिख लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी एंड या फिर जो भी कमेंट बॉक्स में लिखना है लाइक वो कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन तो मैं पूछना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन एकदम इतना इजी बन जाए ना कि हर कोई आंसर करे कमेंट्स आप लोग जरूर से कीजिए कि वीडियो कैसा लगा सजेशन दीजिए ठीक है नेक्स्ट ट्वेल्थ क्वेश्चन है रूफ टॉफ़ सोलर प्रोग्राम मार्च दो तक बढ़ाया एक्चुअल में सरकार जो है अगर बात की जाए जो रूफ टॉफ पर जो है सोलर पैनल लगाने को प्रमोट करना चाहती है और इसके लिए सब्सिडी देती है और ये कार्यक्रम आप मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है नेक्स्ट टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस कर दिया नाम बदल दिया है बट ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है टीआरएस क्या है तेलंगाना राष्ट्र समिति ये क्या है ये एक पार्टी है किसकी पार्टी है के चंद्रशेखर राव जी की पार्टी है जो कि तेलंगाना के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने चुनाव आयोग को कहा कि हमारी पार्टी का नाम बदलकर कुछ और कर दिया जाए तो फिर चुनाव आयोग ने अब इनकी नाम को जो है मंजूरी दे दी और अब कर दिया है भारत राष्ट्र समिति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टी आर एस का नाम बदलकर अभी बी आर एस कर दिया गया है भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री है तेलंगाना के ये पहले मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के राज्यपाल कौन है तमिल साई सौंदर राजन अब ये सब मामला चुनाव आयोग से संबंधित है तो चुनाव आयोग को इंपॉर्टेंट बातें हम लोग कर देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है चुनाव आयोग का आर्टिकल कौन सा आर्टिकल थ्री टू फोर तीन सौ चौबीस अनुच्छेद है चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद का वीडियो बहुत जल्दी दो पार्ट में आने वाला है एग्जाम तक टू पॉइंट जीरो चैनल पर सभी अनुच्छेद क्लियर हो जाएंगे ठीक है तीन सौ पंद्रह यूपीएससी का है चलो छोड़ो तीन सौ चौबीस चुनाव आयोग का स्थापना हुई थी पच्चीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को ठीक है अगर बात की पच्चीस जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है इसी कारण से हेडक्वाटर्स ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में इसमें तीन मेंबर होते हैं टू प्लस वन के फार्मूले के आधार पर इसमें तीन मेंबर होते हैं तो ये हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अब ये जो पीडीएफ है ना अगर जिनको भी ये पीडीएफ डाउनलोड करनी इस तरह से कभी भी रिवाइज कर पाओगे एग्ज़ाम से पहले एंड ये तो सिर्फ एक पीडीएफ की बात कर रहा हूँ आपको सब पीडीएफ एक साथ में मिलेगी नवंबर मंथ की भी दिसंबर की भी और आने वाले सभी हर एक महीने की मंथली करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन की पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगी किस तरह से डाउनलोड करनी है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अगर आपको समझ में नहीं आता उसके नीचे एक और वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको समझाया गया कि पी कैसे डाउनलोड करनी है एक्चुअल में ये पी जो है बंडल के रूप में आएगा नाइन्टी नाइन रुपीज़ आपको पे करना है उसके बाद में आपको हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी करंट अफेयर्स स्टैटिक्स जी के सबकी पी डी एफ एक साथ में अवेलेबल होगी जहाँ पर ये पी डी एफ भी आपको हर महीने मिलेगी तो इसलिए आप लोग एक बार नाइन्टी नाइन रुपीज़ देकर अगर ज्वाइन होते हैं तो आपको कंटेंट इतना अच्छा मिल जाएगा जीके का कि आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एंड ये बेस्ट एंड शॉर्ट क्रिप्स नोट्स हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम से पहले तो जिनको भी पीडीएफ डाउनलोड करनी है आप लोग कर सकते हैं बिंदास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये इस तरह की पी डी ये आपके सामने है ना यही सेम पी को मैं वीडियो बना रहा हूँ नेक्स्ट अभी पंद्रह अगस्त तक जो है एक खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे ये कहा है हमारे युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने 9 दिसंबर को लोकसभा में और ये क्यों कहाँ हैं एक हज़ार खेलो इंडिया केंद्र जो हैं 15 अगस्त 2023 तक स्थापित होंगे हर एक जिले में एक खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे खेलो इंडिया गेम्स की बात की जाए दो में कहाँ पर होंगे ये होंगे एम मध्य प्रदेश में ये आपको याद रखना है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दो में कहाँ पर हुए थे बाईस में हुए हरियाणा के पंचकुला में और दो में मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किए जाएंगे 2023 में हॉकी का वर्ल्ड कप अभी हो रहा है जस्ट जनवरी में तो ये कहां पर हो रहा है ये ओडिशा में हो रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सब करंट अफेयर्स करेंगे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे नेक्स्ट है गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मोपा रखा गया है गोवा में जो अभी है एक राजधानी पणजी के पास में ही पैंतीस किलोमीटर दूर एक नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया गया जिसका शिलान्यास 2016 में किया हुआ था 2870 करोड़ रुपए की लागत से ये नया एयरपोर्ट जो बनाए इसका नाम रखा है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेकिन जनवरी में मैं जो अभी आज वीडियो बना रहा हूँ उसके एक दिन पहले ये खबर आई है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जो है मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर किया गया है जहाँ पर इसका नाम होगा मनोहर पर्रिकर मोपा एयरपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं सो ये आपको नाम याद रखना ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्या होता है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का मतलब यह होता है या फिर ग्रीन फील्ड हाईवे भी आपने सुना होगा इसका मतलब यही होता है बेसिकली कि वहाँ से पहले से कोई स्ट्रक्चर नहीं था बिल्कुल नए तौर पर ये स्ट्रक्चर बनाया गया है उसको कहते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ओके नेक्स्ट है okay. नागपुर बिलासपुर वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुके हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, है नागपुर से बिलासपुर नागपुर एक्चुअल में कहाँ पर है महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है हमारे नितिन गडकरी साहब इनका संसदीय क्षेत्र भी है नागपुर संतरों के लिए फेमस है बिलासपुर हैं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहाँ पर है बिलासपुर में तो इनके बीच में एक नई वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने खुद ने किया है और साथ में महाराष्ट्र के सी एम शिंदे जी भी मौजूद रहे थे नेक्स्ट बात करते हैं सत्रहवें क्वेश्चन पर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में जम्मू कश्मीर टॉप पर रहा है वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन एसएससी पूछता है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड में कौन सा राज्य शीर्ष पर है तो जम्मू कश्मीर राज्य शीर्ष पर है ये आपको डायरेक्ट याद रखना है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है मनोज सिन्हा साहब हैं अभी इसके अलावा टेली परामर्श में भी जम्मू कश्मीर ने दूसरा स्थान हासिल करा है नेक्स्ट है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला भारत पहला देश बनेगा ये कहाँ है ट्राई के अध्यक्ष पी डी वाघेला ट्राई क्या है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एयरटेल जियो इन सब पर काबू यही रखती है ठीक है तो ट्राई के अध्यक्ष अभी कौन है पी डी वाघेला साहब है इनका नाम डायरेक्ट याद रखना इन्होंने मंगलवार को कहा कि भारत ऐसा पहला देश होगा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की जो है ऑक्शन करने वाला है तो ये ऑक्शन होने वाला है ये क्यों किया जा रहा है इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा है नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल को काम कौशल काम कार्यक्रम जो एक योजना थी उसका नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन ऐसा कुछ कर दिया जाएगा है ना तो शॉर्ट में पीएम विकास योजना तो इसका नाम चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने पंद्रह दिसंबर को लोकसभा में एक प्रश्न में ये बताया है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नेक्स्ट गगनयान वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है गगनयान आ, साथ में अगर बात की जाए गगनयान और चंद्रयान तीन भी इसी साल लॉन्च होने वाला है ना लेकिन गगनयान होगा 2024 की चौथी तिमाही में यानी कि 2024 में भी लास्ट में सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मंथ में 2024 अभी जो है ऑलमोस्ट दो साल बाक़ी हैं जहां पर भारत का पहला मानव जो है मतलब भारत के लोग जो हैं पहली बार इसरो के द्वारा जो हैं स्पेस में जाने वाले हैं ये मिशन है गगनयान का सूर्य मंदिर और वड़नगर यूनेस्को धरोहर स्थलों की में स्थल सूची में शामिल हुए हैं एक्चुअल में ये अगर बात की जाए यहाँ पर तीन नई जगह हैं जो कि यूनेस्को की, की अस्थाई सूची में शामिल हुई है पहले अस्थाई सूची में शामिल होती है उसके बाद उनको परमानेंट का दर्जा दिया जाता है या नहीं दिया जाता है ये अलग बात है तो इसको कन्फ्यूज नहीं करना इसीलिए मैंने ये सवाल करवाया है अभी पूछ ले तो भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है चालीस हैं काफ़ी सारी वेबसाइट्स ने तो अपडेट भी कर दिया जल्दी जल्दी कि नहीं फोर्टी वन हो गए अरे भाई फोर्टी वन नहीं हुआ है ना अभी चालीस ही है चालीस कौन सी थी अगर बात की जाए तो धोलावीरा थी या लोथल थी आई थिंक धोलावीरा थी है ना धोलावीरा या लोथल ये जो हड़प्पा वाली है ना इन्हीं में थी और थर्टी नाइन कौन सी थी रामप्पा अपा टेम्पल वाली थी तेलंगाना की तो इनको एक्चुअल में जो है ना यूनेस्को की अस्थाई सूची में शामिल किया अब आप लोग सोच रहे हैं सूर्य मंदिर कहाँ पर है कोणार्क में और कोणार्क उड़ीसा में उसको तो ऑलरेडी यूनेस्को का दर्जा दिया गया है ये सूर्य मंदिर अलग है ये सूर्य मंदिर है मोढ़ेरा गुजरात में मोढ़ेरा गुजरात ये मैसाना के आसपास में है तो ये भी आपको याद रखना है सारे इंडिया के टेंपल्स जो है ना ये मैंने अलग से साइट एग्जाम तक की वेबसाइट पर डाल रखे हैं साथ में पीडीएफ वाले में भी डाल रखे हैं तो आप लोग जाकर जरूर से पढ़ना नेक्स्ट हैं वडनगर सिटी जो कि गुजरात में और थर्ड है रॉक कट मूर्तियाँ ऊनाकोटी त्रिपुरा तो इन तीनों जगह की नाम याद रखना अगर पूछ ले कि सूर्य मंदिर मोडेरा किस राज्य में गुजरात में वडनगर सिटी गुजरात में और थर्ड रॉक कट की मूर्तियाँ जो हैं ऊनाकोटी ये कहाँ पर हैं त्रिपुरा स्टेट में इनका नाम जो है ना ये इंपॉर्टेंट हो चुका है एग्जाम पॉइंट ऑफ से इसलिए याद रखना लेकिन अस्थाई सूची इसको मैंने हाईलाइट इसीलिए किया है याद रखना भारत में जो चालीस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसमें थर्टी कल्चरल है सेवन नेचुरल है और एक जो है मिक्स टाइप की है नेक्स्ट गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो है एन द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला पहला यूनिवर्सिटी बन चुका है 1969 में अमृतसर में स्थापित हुआ है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय कहाँ पर है ये अमृतसर में है अमृतसर में गोल्डन टेम्पल भी है तो वहाँ पर एन अभी एन क्या है अभी हम लोग बताएंगे उसको द्वारा ए ग्रेड जो है दिया गया है जो देश में किसी भी विश्वविद्यालय को पहली बार दिया गया है अब ये एन क्या है एन का मतलब है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापण परिषद ठीक है इसकी स्थापना 1994 में यू के अंडर में ही किया है यू जी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन तो ये इसका हेडकोार्टर का मिलेगा बेंगलुरु में मिलेगा एन ए ए सी का नास का तो याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट रेलवे ने कश्मीर में देश की सबसे लंबी एस्केप टर्नल खोली है ठीक है एक्चुअल में रेलवे का एक बड़ा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहा है जो कि हैं अगर बात की जाए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन ठीक है जिसको शॉर्ट में कहा जाए यू ये अगर बात की जाए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है एक सौ ग्यारह किलोमीटर लंबा है सॉरी इससे भी लंबा है ये लेकिन इसी के अंडर में जो है एक सौ ग्यारह किलोमीटर बनिहाल कटरा रेल लाइन चल रही है उसमें बारह पॉइंट एट नाइन किलोमीटर ऑलमोस्ट तेरह किलोमीटर लंबी सुरंग बन चुकी है और ये सुरंग के साथ साथ में जब एक सुरंग चलती है तो इमरजेंसी के लिए एक एस्केप टनल भी बनाई जाती है तो ये भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है एस्केप यानी कि बचाव राहत कार्यों के लिए ठीक है तो ये आपको याद रखना मुख्य सुरंग इतनी है और उससे भी लंबी है एस्केप टनल ये पहाड़ के अंदर बनाई गई है तो याद रखना देश की सबसे लंबी एस्केप टनल ये जम्मू कश्मीर में बनाई गई है साथ में अगर बात की जाए सबसे ऊंचा रेलवे पुल चनाब नदी पर जो है ना वो भी जम्मू कश्मीर में ही है भारत का पहला ग्रीन स्टील कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया तो कल्याणी फेरेस्टा आपको याद रखना ये भारत का पहला ग्रीन स्टील है ग्रीन स्टील क्या होता है ग्रीन स्टील का मतलब एक्चुअल में क्या है जब स्टील का प्रोडक्शन हो रहा होता है ना तब इसमें जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला हो गया या इन सब का उपयोग नहीं किया जाता है एक मतलब जो है कम पॉल्यूशन किए जाने वाले फ्यूल का उपयोग किया जाता है तो उसी तरह से इसको ग्रीन स्टील कहते हैं और ये पहला ग्रीन स्टील ब्रांड बन चुका है कल्याणी फेरेस्टा ये इंपॉर्टेंट याद रखना आपको नेक्स्ट आई कानपुर ने तैयार किया है कृत्रिम हृदय कृत्रिम हृदय मतलब बिल्कुल कृत्रिम हृदय जो कि लोगों में ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है अभी इसके जस्ट ट्रायल्स हुए हैं तो ये आपको याद रखना आई कानपुर ने तैयार किया है अगर बात की जाए आर्टिफिशियल हर्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बुलंदशहर जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए फ़ाइव स्टार की रेटिंग मिली है भाई साहब एक ऐसे शहर के जेल को रेटिंग दे दी है सारे लोग चले जाएंगे फाइव स्टार खाना खाने ऐसा नहीं है एक्चुअल में मैंने आपको ऊबर बताया था फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये खाने के भंडारण और स्वच्छता की स्थिति वगैरह इन सब को लेकर ही अपनी स्टैंडर्ड पॉलिसी को अपनाती हैं तो इसी ने जो है बुलंदशहर जिला जेल को फाइव स्टार की रेटिंग दी है यानी कि इस जेल में खाने पीने और स्वच्छता भंडारण की व्यवस्था अच्छी है ठीक है जेल में मत चले जाना कि कितनी अच्छी है देखने के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है फरुखाबाद जेल को ऑलरेडी मिल चुका है तो ये उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल है तो फरुखाबाद के बाद बुलंदशहर जेल को भी फाइव स्टार की रेटिंग मिली है किसके द्वारा हाँ, तो ये एफ के द्वारा मिली है अमृत भारत स्टेशन योजना ये याद रखना आपको ये किसके लिए है ये हैं छोटे स्टेशनों को नई सुविधा युक्त बनाया जाना तो ये एक हज़ार स्टेशन इसके तहत जो है छोटे जो रेलवे स्टेशन हैं उनमें जैसे वाईफाई वगैरह तो ये सब सुविधाएं उनमें लॉन्च की जाएगी ये आपको याद रखना है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति ने तेलंगाना में दो मंदिरों के लिए प्रसाद योजना की आधारशिला रखी है राष्ट्रपति कौन है भारत की द्रौपदी मुर्मू साहब हैं इन्होंने ये फिफ्टींथ नंबर की है ना तो इन्होंने प्रसाद योजना के तहत तेलंगाना के भद्राचलम तीर्थ का विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है जो क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट है उसी हिसाब से यहाँ पर डिटेल दी गई है कोई एक्स्ट्रा फालतू डिटेल नहीं ऐड करी गई है नेक्स्ट है भारत बायोटेक द्वारा नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन तैयार हो चुके हैं भाई साहब तो भारत बायोटेक कहाँ के हैं ये हैदराबाद की कंपनी है ये आपको याद रखना है अब जो नाक से देने वाली वैक्सीन है ना ये इन्होंने अब तैयार किए हैं जिसका नाम होगा आई नो कोवाइफ ठीक है आई डोंट नो ठीक है तो इसको आठ सौ रुपये इसकी कीमत है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तीन सौ पच्चीस रुपये में मिल जाएगी एंड ये सब है तो ये सब आपको याद रखना मेन आपको ये याद रखनी आई को नव क्या है आई न ठीक है जो भी है ये इसको भारत बायोटेक ने लॉन्च करिए इसको तैयार करिए नेक्स्ट अब इंटरनेशनल है इंटरनेशनल के कितने क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूँ अगर हुआ तो इसी वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे ठीक है तो इंटरनेशनल के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसा करते हैं हम लोग एक अलग वीडियो रखते हैं जहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल के भी तेईस क्वेश्चन कर लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी हम लोग अलग से वीडियो में कर लेंगे अगर आपका इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं दो तीन दिन के अंदर अंदर इंटरनेशनल वाला फिर स्टेट वाला मतलब काफ़ी सारी हैं अलग अलग सभी कैटेगरी कर देंगे तो ये आप पर डिपेंड करता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो था तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत